मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण शहर में गणेश विसर्जन के दौरान बड़े पैमाने पर गणेश भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो सरकार की के लिए चिंता का विषय है। जबकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र की जनता से कोरोना नियमों का पालन करते हुए गणेशोत्सव मनाने का आदेश जारी किया था, लेकिन कल्याण के विट्ठलवाड़ी में मूर्ति विसर्जन के लिए स्थानीय प्रशासन ने जो कृत्रिम तालाब बनाए हैं, वहां पर गणेश उत्सव के पांचवें दिन गौरी गणेश की मूर्तियों का विसर्जन हुआ। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गणेश भक्तों का यहां तांता लगा हुआ है, लेकिन किसी के भी चेहरे पर यहां मास्क नहीं है। जबकि कोरोना के इस महासंकट काल में जो आफत चल रही है, उसके बीच सरकार प्रशासन बार बार लोगों से अपील करती है कि आप मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, लेकिन गौरी गणेश विसर्जन के दौरान 100 में से 30% लोगों के चेहरे पर मास्क थे, बाकी सब के सब अपने चेहरे पर मास्क नहीं पहने हुए थे। और यही कारण है कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरीके से पालन नहीं किया गया, ऐसे में यदि स्थिति असामान्य होती है तो यह जिम्मेदारी किसकी है, सवाल यही सबसे बड़ा है। आज गणपति और गौरी का दिन है, इसके लिए हर जगह एक पब्लिक का झुंड इधर नजर आ रहा है। उसके बारे में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, इन्होंने गणपति आपला दारी ऐसी मुहिम ये करके हर प्रभाग में एक एक गाड़ी दिए है, जैसे ड प्रभाग, जे प्रभाग, आई प्रभाग, कल्याण ईस्ट में जो 142 कल्याण पूर्व है, और उसके बाद में भी 3 कृत्रिम तालाब या है जो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका गणपति विसर्जन करती है और वहाँ से उनका विसर्जन होता है। दुर्गाड़ी में जो गलती हो गई है उसके बारे में यही कहना चाहिए, प्रशासन के जो जितने भी पुलिस है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अपनी जवाबदारी करके लोगों ने घर से मूर्ति का पूजन करके यहाँ पे आना चाहिए। मैं सबको यही आह्वान करूँगा कि गणेश घाट पे गर्दी कम कीजिए और कोरोना से बचिए।